हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के होम टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में। इन ऑप्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कुछ पहले से एंट्री की हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉपी पर। ये रहा हमारा कॉपी। फॉर एग्जांपल, यह एक शब्द है 46 एंड प्रेस कॉपी और जस्ट प्रेस द कंट्रोल सी, उसका आपका एक ही काम होगा। हम इस पर हमने कहा जी पेस्ट, तो पेस्ट होने पर ये चीज़ इस साइड भी आपकी होगी एंड इस साइड भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट आता है कट पेस्ट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम आए और हमने प्रेस किया कट और ये पेस्ट होकर 81 हमारा इस साइड तो आ गया, बट ये इस साइड से हमारा हट गया, ठीक है। ओके, अब जो अगला ऑप्शन है वो होगा हमारा, फॉर एग्जांपल ये है एक शब्द है, या मैं अलग से आई राइट डाउन दिल्ली, ठीक है। अब ये जो है इसके लिखने का स्टाइल हमारा चेंज हो जाए तो आप इस ऑप्शन पर आएंगे। ये देखिए, अलग अलग स्टाइल से ये आपका चेंज हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट अगर आपको उसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो इसका साइज हमारा इससे इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जो काम हमारा इससे हो रहा है सेम काम इससे भी होगा। ये प्रेस होने पे हमारा इंक्रीज हो रहा है और ये प्रेस होने पर हमारा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा काम इसका हो गया। आफ्टर दैट ये जो आपका शब्द है, आप चाहते हैं कि ये अभी हमारा बोल्ड हो जाए तो इसका मतलब इसका ये होता है कि ये शब्द अभी आपका हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। इट मीन कि ये अभी हमारा हल्का सा डार्क हो जाएगा। ये देखिए, इफ आई प्रेस बी, ये देखिए इस तरीके से ये आपका हल्का सा हो गया। और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। ये शब्द हमारा हल्का सा तिरछा हो जाए तो प्रेस आई से आई का आपका होता है इटैलिक, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। प्रेस होती ये देखिए, ये अभी हमारा हल्का सा तिरछा भी हो रहा है, ठीक है। इस शब्द के नीचे में एक लाइन भी आ जाए तो वो आपका इससे आएगा और इसका हमारा शॉर्टकट होता है कंट्रोल यू। सिंपल प्रेस होने पर आपकी सिंपल आ रही है और जब आप इसमें ये जो हमारा स्मॉल सा एरो आ रहा है इसमें साइन होगा तो ऊपर इसमें अलग अलग टाइप की आ जाएंगी। जैसे कि ये देखिए, अब इसमें आपकी दो आ गई है, पहले एक ही आ रही थी, अब आपकी दो आ रही है। अगर आपको हटाना तो जस्ट प्रेस अगेन द सेम थिंग्स, ठीक है, हट जाएगी। आफ्टर दैट ये हमारा इतना हुआ। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमारी एंट्री है इसमें एक आपके टेबल के शेप में आ जाए, मतलब कि देखिए टेबल तो यहाँ पर पहले से ही है बट ये जो है ना लाइन हल्की सी हमारी डार्क हो जाए। तो देखिए, आप जब ऐसे आएंगे सबसे पहले उतने हिस्से को आपको सिलेक्ट करना होगा। अब इसमें लाइन आपकी अलग अलग की हैं, इसमें होने पर सिर्फ नीचे ही लाइन आएगी इससे टॉप में। तो इस टाइप के अलग अलग ऑप्शन से अभी मैं आता हूँ इस ऑप्शन पर। तो देखिए, इसमें ये ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन मैं उसी लिख लेता हूँ, दिल्ली लिख लेता हूँ डाकर। आप चाहते हैं कि इसका कलर हमारा चेंज हो जाए, मैंने कहा जी कलर इसका हो जाए ब्लू का कलर, या फिर थोड़ा सा हल्का ले लेता हूँ या, ठीक है, कलर हमारा हल्का सा इसमें चेंज हो गया। ओके, इससे क्या क्या हुआ कि उस सेल के पीछे का कलर हमारा चेंज हो गया। अब अगर आपको अपने फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन पर आइए, इसमें अलग अलग हैं। तो आई एम प्रेस द रेड में, तो देखिए ये कलर हमारा चेंज हो रहा है। ऐसे ही आई जस्ट प्रेस द ग्रीन, तो देखिए वो भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना काम अभी हमारा हुआ। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यह एक शब्द था आपका दिल्ली, मैंने यहाँ पर शब्द किया था कि दिल्ली, ठीक है। अब इसमें और एक शब्द है मुंबई, ओके। अब इस शब्द पर हमने इसको बोल्ड भी किया है, अंडर लाइन भी किया हुआ है और इसके साइज को भी हमने ऐसे इंक्रीज किया हुआ है।
पीछे का कलर भी हमने चेंज किया हुआ है और ये भी हमने फॉन्ट भी इसका हमने चेंज किया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि जो काम अभी हमने इस पर किया है सेम काम इस पर भी अप्लाई हो जाए, तो आप इस पर आइए और अब आप आएंगे फॉर्मेट पेंटर पे। तो देखिए ये सामने ऐसा एक साइन आना शुरू हो जाएगा और इस पर क्लिक होते ही ये देखिए आपका अपने आप चेंज हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का ये काम होता है कि जो भी फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई है उसी का कॉपी इस पर भी अप्लाई हो जाए। ओके, आफ्टर दैट हम अभी हमारा ये इतना अभी हो चुका है, अब हम लोग इस पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमें और भी अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ओके, मैं इसके ये फॉन्ट को भी चेंज किए दे देता हूँ और इसमें आके ब्लैक कलर। ओके, ये एक आपका शेल है, ठीक है। इस शेल में ये जो शब्द है ये अभी हमारा एकदम बिल्कुल नीचे है, तो अगर ये ऊपर आ जाए तो देखिए ये ऐसे ऊपर आ जाएगा, बीच में आ जाए तो ये ऐसे आ जाएगा। इससे होगा कि ये अभी हमारा लेफ्ट में है, राइट में आ जाए तो आपका इस पर क्लिक होगा, सेंटर में आ जाए तो इस पर क्लिक होगा। तो इसका यूज़ हम लोग कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबल है इसमें हर शब्द अभी आपका लेफ्ट साइड पर है, तो हमने कहा कि ये अभी हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसका काम हमारा ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद में फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक शब्द है नोएडा, ठीक है, ये अभी हमारे सेल के पैरेलल में है। अब मैं थोड़ा सा इसके फॉन्ट को इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आके ये थोड़ा सा हमारा ऐसे हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि जब आप इस पर आओगे तो ये शब्द अब आपका इस तरीके से आ जाए, तो देखिए ये ऐसे आ गया, ऐसे आ जाए तो इस तरीके से चेंज, मतलब कि ये चीज़ आपकी ऐसे भी आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस पर काम होता है। ओके, अब यहाँ पर आफ्टर दैट ये जो आपका शब्द है वो अभी बिल्कुल अभी आपका लेफ्ट पे है, इस पर क्लिक होने पर राइट में आ जाएगा और इस पर अगेन आपका लेफ्ट में। बट अगर आप चाहते हो कि ये शब्द अभी आपका आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पर आए, तो यहाँ पर अगर क्लिक हो, ये देखिए अभी आपका आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है और इससे ये आपके लेफ्ट साइड में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट आते हैं हमारा रैप टेक्स्ट। ये क्या चीज़ होती है? फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल की एक शब्द है माई नेम इज मोहित। अब ये जो हम लोगों ने लिखा है वो अगले सेल में भी आ गया है। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपका अगला सेल है वो अब आप ये जो है अभी आपका आगे आ गया है, ये अब आपका एक ही सेल में आए, तो आप जब इस पर आओगे और रैप टैक्स पे क्लिक होगा तो देखिए ये अभी एक ही सेल में आ गया और ये अभी हमारे इसके नीचे आ गया है। ओके, तो इससे तो ये काम हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि ये दोनों सेल अब आपके एक ही सेल में चेंज हो जाए, तो देखिए ये देखिए अब ये दोनों सेल हमारे अब एक ही सेल में चेंज हो गए, ठीक है। आफ्टर दैट अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल ये एक 876, ओके फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया मैंने, ये अगर आपका जर्नल में होगा तो ये सामने ऐसे शो होगा, नंबर्स में अगर चेंज होगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, सेम ऐसे ही करेंसी में इसमें आ जाएगा चेंज होकर। ऐसे ही ये आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं कि ये जो आपका सिंपल सा नंबर है वो किस में शो हो, तो अगर आप जर्नल में क्लिक होगा तो सामने आपके इसमें शो हो जाएगा। इसके लिए पहले हमें इसको चेंज करना होगा करेंसी में। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आपका काम हो रहा है और उसमें आपके पैसे आपको शो करवाने हैं, तो ये देखिए इसमें अभी आपका डॉलर का साइन ही शो हो रहा है। अब इसको यहाँ अब इसमें आपके अलग अलग कंट्रीज़ के आपके
करेंसी शो होगी, इसमें हमारी इंडिया का भी है, तो इंडिया के लिए हमें इसमें क्लिक करना होगा। और जब आप अकाउंटिंग में आओगे तो इसी में ही हमारा इंडिया का भी मतलब इसमें हमारा शो होता है, और इंडिया के भी आप उसमें आराम से रुपीज़ में वो आपका शो होगा। यहाँ पर ओके इट टेक टाइम, तो यू कैन जस्ट सी योर सेल्फ, और ये इसी में ही होता है, ठीक है। आफ्टर दैट आप चाहते हैं कि ये अब आपका परसेंटेज में शो हो रहा है, इट मीन कि जो काम हमारा इस साइड से हो रहा था वो बस उसका एक आपका शॉर्टकट आ गया, हमने कहा जी ये लो ये ऐसे शो होना गया, कॉमा के साथ शो हो तो ऐसे शो हो जाएगा। ये जो ज़ीरो आपके पॉइंट के बाद में आ रहे हैं, अगर आपके इंक्रीज हो जाए तो आप इसमें आइए, इसमें आइए, ये देखिए इससे आपका इंक्रीज होगा और इससे आपके कम हो जाएंगे ज़ीरो, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इतने को पहले हटा देता हूँ। अब आप जब इस पर आओगे, और मैंने अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट किया हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होता है कि जो मैं सिर्फ अभी नंबर्स पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये हमारे अलग इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, मैं सिर्फ नंबर्स पे आ जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये है कि इसमें ग्रेटर देन, अब हमने कहा जी कि जो भी 51 से ऊपर हैं उनका कलर कैसा हो जाए, तो यहाँ पे अलग है, हमने कहा जी रेड टेक्स्ट उसका शो हो जाए। तो देखिए खुद यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है जो भी आपके 51 से बड़े थे। तो इस टाइप की फॉर्मेटिंग का काम हमारा इससे हो जाता है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जब आप इसमें ये देखिए इसमें आपका अगर कोई अधिक होगा तो वो शो होगा, इससे कम होगा इससे आपके बीच का शो होगा, इक्वल का, तो मतलब इस टाइप के ऑप्शंस होंगे। टॉप एंड बॉटम कि जो सबसे आपके ऊपर से टॉप से होंगे वो आपके शो हो, उनका कलर क्या हो, हमने कहा जी कलर उनका हो जाए फॉर एग्जांपल येलो। तो देखिए इसमें ये आपके शो हो गए कि जो आपके टॉप 10 नंबर हैं इनमें वो शो हो जाएंगे, शो होना इसमें शुरू। सेम ऐसे ही आपके बॉटम से आपके शो होंगे, तो इस टाइप के ऑप्शंस आपके इसमें अलग अलग आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा, तो इसका काम ये होता है। आफ्टर दैट आते हैं फॉर्मेट एज टेबल, जो आपकी टेबल है उसमें कलर आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए, कुछ उस टाइप से हो जाए। तो इस टाइप से जब आप आएंगे, ये देखिए जैसे मुझे ये इस टाइप से चाहिए कलर, ये देखिए यहाँ पर ये कलर आपका इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगा। अब ये यहाँ पर ये आपका अलग अलग ऑप्शंस इसमें आने शुरू हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन पर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एक कि बस ओनली सिर्फ अमन के ही मार्क्स ओनली आपके शो हो, तो सिर्फ आप अगर आपका क्लिक होगा अमन पर, तो देखिए इस टाइप के मतलब फिल्टर्स इसमें आपके आ जाएंगे, ठीक है। सारे शो हो तो आप इसमें करिए क्लिक, ए टू जेड में शो हो तो यहाँ पर आ रही है जेड टू ए शो, मतलब कि इस टाइप के काम आपके बहुत आसानी से फॉर्मेट एज अ टेबल पे आपके हो जाएंगे। ओके ठीक है। आफ्टर दैट शेल स्टाइल, जो काम अभी हमारा पूरे टेबल पे हो रहा था वो सिर्फ अब एक शेल पर हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पर आया, मैंने कहा जी शेल मेरा कुछ इस टाइप से ऐसे शो हो जाए कि ये देखिए कलर भी आपका चेंज हो रहा है अलग अलग ऑप्शन, तो मतलब एक सेल का क्या फॉन्ट हो जाए, तो वो काम हमारा इससे हो जाएगा। ओके, अब आप चाहते हैं कि ये जो आपकी शीट है, पहले मैं सबको हटा देता हूँ एक बारी, ये जो मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है मैं सबको हटा देता हूँ। ओके, ये बिल्कुल हमारा नॉर्मल हो गया। अब आप चाहते हैं कि इस शीट में इस साइड पे एक हमारी रो आ जाए, तो आप पहले ऐसे आइए और आप इंसर्ट ऑप्शन में आके आइए, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सीट कॉलम, देखिए एक कॉलम आपका आ गया। अगर यहाँ पर एक आपकी रो आ जाए अलग से, तो आप इंसर्ट और यहाँ पे आ जाएगा आपका रो। तो इस टाइप के काम जो अभी हमारे इससे हो रहे हैं उसका एक शॉर्टकट भी होता है, आप सिंपल आइए, राइट क्लिक होगा
और ये देखिए आपका इंसर्ट का ऑप्शन आ गया, और इंसर्ट पे क्लिक होते ही एक आपकी रो या फिर कॉलम आपका आसानी से इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के काम हमारे इनसे होंगे। अगर आपको कोई बस अगर आपको एक शेल ही चाहिए इस साइट पर कि बस एक शेल इंसर्ट हो जाए, तो आप शेल में आ जाइए। ये देखिए एक शेल आ जाएगा बस। ठीक है, ओके, इससे आपका इंसर्ट होगा। और इससे अगर आपको हटाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर ये कॉलम को इंसर्ट किया हुआ है, एक कॉलम आ गया। अब इसको अगर आपको हटाना है तो आप चाहे तो ऐसे आ जाइए और इस ऑप्शन पे क्लिक होते ही वो आपका हट जाएगा। तो इससे इंसर्ट हो रहा है और इससे वो चीज़ आपकी हट जाएगी। अगला ऑप्शन होता है फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल यह एक शेल है, ठीक है, इस सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। इट मीन कि जो काम हमारा इतनी आसानी से ऐसे और एक शॉर्टकट जैसे होता है, जैसे आप ऐसे और ये देखिए ये अभी आपका इंक्रीज हो गया। अब सेम काम हमारा इससे भी हो जाए कि देखिए रो की हाइट क्या हो, हमने का जी हाइट अभी आपकी 54 है, हमने का जी हाइट होता है हमारी 40, तो देखिएगा ये हाइट आपकी कम हो गई ऐसे ही। और अब इसकी विड्थ है जो वो अभी आपकी 19 है, आई जस्ट गिव ओनली 10, तो देखिए ये कम हो जाएगी। तो इस टाइप से किसी भी रोज या फिर कॉलम की हाइट और विड्थ को अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप इस ऑप्शन पर आएंगे। ओके, आफ्टर दैट आते हैं हम ऑटो सम पे। इसका क्या काम होता है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि इतना प्लस होने पर कितना आएगा। अब अगर आपको एक सिंपल वे चाहिए तो आप सिंपल ऑटो सम में आइए। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सम होने पर ये सबका प्लस होकर, ये देखिए टोटल प्लस होकर इतना सामने आपके शो होना शुरू हो गया। ये आ गया आपका 1072, ठीक है, तो ये इसका पूरा प्लस होकर आ गया। यहीं पर अगर आप चाहते हो, अब यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं कि एवरेज क्या है, तो वो इससे आ जाएगा। काउंट कितने हैं, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, तो देखिए इस टाइप के काम आपके इस साइड से बहुत आसानी से हो जाएंगे। आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल अभी हम ये देखिए ये 30 जो है वो यहाँ पर लिख रखा है। अब आप चाहते हैं कि 30 आपका इस साइड भी आ जाए और इस साइड भी आ जाए कि इस साइड आ जाए कि इस साइड, मतलब कि आपके अपर में आ जाए, बॉट में आ जाए, तो वो काम आपका इससे हो जाएगा। ये देखिए डाउन में अगर आपका क्लिक होगा तो ये देखिए 50 ऊपर था, 50 इस साइड भी आ गए। एक बार अगेन सी, यहाँ पर ये 30 है, अब जो इसके ऊपर है वही इस पर भी आ जाए, तो जब आपका इस पर क्लिक होगा डाउन पर, तो देखिए इसमें 50 एंट्री अपने आप आ गई। सेम काम राइट में जो था उसके आधार पर ये चेंज होता है। ये देखिए तो यहाँ पर भी शायद ओके, मतलब अभी आपका 50 ही था इसलिए ऐसा आ गया, और ये देखिए ये चेंज हो रहा है। तो इस टाइप का काम आपका इससे हो जाए कि कोई भी शेल का नंबर उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल कि आप इस पे आए, आपने इसके साइज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, आपने इसे बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, अब ये चीज़ें अगर आपको एक साथ हटानी है तो सिंपल आप क्लियर में आ जाइए। इसमें आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो हमने कहा जी क्लियर ऑल, तो देखिए सब कुछ साफ भी हो जाएगा। बट अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग ही हटानी तो आप आएंगे क्लियर फॉर्मेट्स में, तो देखिए ये सब कुछ आपका हट गया। तो मैं साइज़ को हल्का सा इसके बड़ा कर देता हूँ, टेबल्स ले एक बार ले आया था लाकर, और यहाँ पर आकर ये हमारा काम शुरू हो जाएगा। ओके फाइन, इसके बाद आते हैं ऑटो फिल्टर पर। इसका क्या काम होता है, जो काम अभी हमारा इसमें हुआ था ना, ये जो था हमारा फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट एज टेबल में जो काम हमारा हुआ था, सेम काम इसमें भी होगा। क्या काम होगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि सभी नाम आपके असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं, तो आप इस ऑप्शन पर आइए
और A to Z होने पर ये इसमें चेंज हो जाएंगे, Z to A होने पर इस टाइप से, और फिल्टर अगर आ जाए तो आपका फिल्टर यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए A to Z में, ये देखिए अब यहाँ पर A शब्द के पहले आ गए, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद M, तो मतलब यहाँ पर ऐसे काम हमारा हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है फाइंड एंड सेलेक्ट, इसमें अलग अलग ऑप्शन हैं। सबसे पहले अगर आपकी शीट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इस शीट में राजा शब्द कहाँ पर है, तो आप आइए फाइंड में और लिखिए यहाँ पे जाके राजा, और फाइंड ऑल में देखिए ये सामने आपके शो हो गया कि इसमें बस ऑनली अभी एक ही टाइम आया हुआ है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ये हो गया। रिप्लेस की हेल्प से ये काम होता है कि कोई सा, अब हमने कहा कि जहाँ पर राजा शब्द होगा वो चेंज हो जाए, तो आप जब आएंगे ये देखिए ओल्ड है आपका राजा, हमने कहा जी न्यू हमारा आ जाए सूरज, तो देखिए रिप्लेस से ये देखिए आपका चेंज हो गया, ठीक है। तो ये काम हमारे इसमें हो जाएंगे। तो गाइज हमने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा कि होम टैब में किस किस ऑप्शन का क्या क्या काम है। अगले वीडियो में हम आपको इंसर्ट टैब के बारे में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।